सत्रह कुछ पंक्तियाँ ही कहनी हैं, वो इसलिए कि परीक्षित सहनी जी जो आज हमारे बीच में मौजूद हैं, इनके पिताजी जो महान अभिनेता थे बलराज सहनी और बलराज सहनी जी के भाई भीष्म सहनी, इन दोनों का हमारे प्रगतिशील लेखक संघ से बड़ा गहरा संबंध रहा है। मतलब आप देखेंगे कि जो भीष्म सहनी थे वो हमारे इसी संगठन के राष्ट्रीय महासचिव थे, और बलराज सहनी जो हमारे संगठन की एक जुड़ा हुआ संगठन है नाटक का इप्टा, उन्होंने अपना कैरियर ही नाटक का जो शुरू किया था वो इप्टा से शुरू किया था बलराज सहनी जी ने। और उसके बाद बलराज सहनी मुझे याद आ रहा था, बाकी तो बात आप करेंगे, पिछले दिनों की जे एन यू के बहुत किस्से हुए हैं, तो जे एन यू का जो पहला दीक्षांत समारोह था उसमें बलराज सहनी जी को बुलाया गया था, और उन्होंने ये कहा था कि मैं इसका इतना सम्मान करता हूँ इस संस्था का जे एन यू का कि आप मुझे दरवाजे पर झाड़ू लगाने के लिए भी बुलाते हैं तो मुझे इतनी ही खुशी होती। उन्होंने ये भी कहा कि मैं ये बात विनम्र होने के लिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं विनम्र बनना चाहता हूँ, बल्कि दिल से कह रहा हूँ कि मैं इतना सम्मान करता हूँ इस संस्था का, वो संस्था है जे एन यू, और इस तरह के इंसान थे बलराज सहनी। बाकी आप सुनेंगे, उनसे बात करेंगे, यूनुस खान जिनकी आवाज़ आप रेडियो पर अक्सर सुनते होंगे, और गजेंद्र श्रोत्रिय हैं जो एक फिल्म मेकर भी हैं, फिल्म डायरेक्टर हैं, कसाई फिल्म बनाइए, भोवर बनाइए, और ये पुस्तक उन्होंने पढ़ी है जो इनके हाथ में है, वो बलराज सहनी जी पर पुस्तक है जो उनके पुत्र परीक्षित सहनी जी जो हमारे बीच में, उन्होंने लिखी है। तो उनके जीवन पर, उनकी किताब पर, उन प्रसंगों पर आप बातचीत करेंगे। तो मैं आग्रह करूँगा कि यूनुस जी और गजेंद्र जी, यूनुस जी इसकी शुरुआत करें। सत्र है ये, क्योंकि हिंदी सिनेमा का एक आम दर्शक बलराज सहनी को एक अभिनेता के रूप में जानता है सिर्फ, लेकिन बलराज जी सिर्फ एक अभिनेता नहीं थे बल्कि उनके अपने सरोकार थे, और वो एक चिंतक और लेखक भी थे। परीक्षित जी, मैं जो पहला सवाल आपसे करना चाहता हूँ वो ये कि इसी समय इस किताब को लिखने का ख्याल क्यों आया है? हुजूर, कुछ ऐसा सिलसिला है कि मैं उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ। मुझे लोगों ने कहा कि ये लिखने का वक्त आ गया है और इसको लिखो। कई सालों से सोच रहा था कि उनके बारे में लिखूं जी, मगर एक तो वक्त नहीं था, दूसरा मैं लेखक नहीं हूँ बेसिकली। लेकिन अपने कॉलेज के ज़माने में किया था बीए एमए किया था लिटरेचर में, और भीष्म जी की माफ़ कीजिएगा, भीष्म जी की बदौलत कुछ थोड़ा सा थोड़ी सी दिलचस्पी रही जी लिटरेचर में, साहित्य में। मगर मेरे एक दोस्त हैं अली साहब, उन्होंने मुझे मजबूर किया कि उन्होंने कहा कि अभी वक्त आ गया है, प्लीज़ अपने पिताजी के बारे में लिखो, वालिद साहब के बारे में लिखो। इसलिए, और दो चार और दोस्त थे जिन्होंने बहुत जोरों से कहा कि अभी वक्त आ गया है, बैठो और किताब लिखो वरना तुम्हारे साथ बुरा होगा। तो मैं बैठ गया सर, ये मुझे मजबूर किया गया। दरअसल ये बहुत बहुत अच्छा किया आपने कि जिन लोगों ने आपको मजबूर किया उन्होंने एक अच्छा काम किया, और आपने इस किताब को लिखकर बलराज जी के चाहने वालों पर एक बहुत बड़ा उपकार किया है। मुझे लगता है कि एक बेटे के लिए अपने पिता पर, जो इतना कद्दावर अभिनेता रहा हो, किताब लिखना बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि आपको खुद को एक बेटे की भूमिका से अलग करके तटस्थ होकर लिखना पड़ता है। कहाँ कहाँ कलम रुकी आपकी, कहाँ कहाँ चुनौतियाँ महसूस हुई हैं इस किताब को लिखने में? देखिए, मुझे अजीब बात यह है कि मुझे खुद ताज्जुब हुआ इस बात के बारे में कि मुझे कोई कहीं भी हिचकिचाहट नहीं हुई, मैं बड़ी आसानी से किताब लिख गया। दरअसल ये मेरी जो यादें हैं उनको ताज़ा किया है मैंने इस किताब में, और मुझे कोई ऐसे मौका आया नहीं जहाँ पे मुझे लगा हो कि बड़े मुश्किल है लिखना। मुझे जो याद आया उनके बारे में, क्योंकि मुझे ऐसे लगा कि लोग उनको सिर्फ एक अच्छे अभिनेता के तरह जानते हैं, वो एक भाई कैसे थे, एक बाप कैसे थे, एक दोस्त कैसे थे, एक लेखक कैसे थे, उनका नज़रिया क्या था ज़िंदगी पे, किस तरह के वो प्रगतिशील किस तरह से थे, वो उनका फ़लसफ़ा क्या था, इसके बारे में लोग नहीं जानते थे, इसलिए मैंने किताब में इसका वर्णन कर दिया सर।
सर, इस किताब की शुरुआत आप करते हैं अपने परिवार के शुरुआती, आपके शुरुआती दिनों से, आपके जन्म से लेकर, जो कुछ हद तक आप ये मानते आए कि आपके पिता से जो शुरुआती आपके संबंध थोड़े से दूरी बनी रही उनसे, तो वो थोड़ा उस पर हमें बताएं कि वो क्या परिस्थितियां थी और कैसे आप देखिए। जैसे कि मैंने किताब में लिखा है कि वो एक बहुत ही प्रगतिशील और बड़े इनकलाबी किस्म के इंसान थे, एंड ही वॉज अ नॉन कन्फॉर्मिस्ट, जो कि इसका उन्वान है, जो कि इसका शीर्षक है जी। वो जिंदगी भर वही करते थे जो उनका जी चाहता था, और सामाजिक और माशरे में जो 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 रिवायतें हैं उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। वो कहते थे कि उनकी एक कहावत थी जो उनको बड़ी पसंद थी एमर्सन की, कि कॉन्फॉर्मिटी इज मीडियोक्रिटी। क्या बात, कि कन्फॉर्म करना, हर समाज के नियमों के नीचे दब जाना और वही करना जो 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 समाज कहता है वो करो, वो गलती है। इसलिए वो जिंदगी भर उन्होंने वही किया जो उनके 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 ज़मीर ने उन्हें कहा करने के लिए। और वो, मैं सिर्फ 6 महीने के था जब वो चले गए इंग्लिस्तान अपना, उस वक्त दूसरे वर्ल्ड वॉर का दौर था और मुझे छोड़ के चले गए। इसकी वजह से उनको, मैं सिर्फ 6-7 साल का था तब मुझे पहली बार मिला। उसके बाद भी उनकी ज़िंदगी बड़ी एक तूफ़ानी किस्म की ज़िंदगी रही। उन्होंने, ये पार्टीशन का ज़माना था, हम रावलपिंडी के रहने वाले हैं, वहाँ हमारी हवेली थी, अब भी है, वहाँ से हमें निकाल दिया गया। सारा पूरा परिवार हमारा तितर बितर हो गया। भीषम जी कहीं, सानी वालिद साहब कहीं और, हमारे दादाजी कहीं और पूरा, मतलब बहुत माहौल बड़ा, कोई अम्बाला तो कोई कलकत्ता तो कोई मद्रास, ये बुरे, बहुत बुरे दिन थे हमारे लिए। और पिताजी की बड़ी कड़ी जद्दोजहद करनी पड़ी बम्बई में टू एस्टैब्लिश हिमसेल्फ एज अ फिल्म एक्टर। उन्होंने अपनी आत्मकथा, अगर आपने नहीं पढ़ी तो मैं चाहता हूँ कि आप कोशिश कीजिए उसे हासिल करना और पढ़िए उसे। उन्होंने लिखा है कि उनको कितनी मुश्किल पड़ी ये कामयाब होने में एज एन एक्टर। तो उस ज़माने में उनको ये महसूस हुआ कि अपने बच्चों को, ख़ासतौर से मुझे, ये फिल्मी माहौल में अगर न रखा जाए तो बेहतर होगा। इसलिए उन्होंने हमें बोर्डिंग स्कूल वगैरह में भेज दिया। इसलिए मैंने दरअसल वालिद साहब के साथ बहुत कम वक्त बिताया है, इसलिए एक थोड़ी सी हम दोनों में दूरी थी। इसका मतलब ये नहीं था कि मैं उनकी इज्जत नहीं करता था, उनको चाहता नहीं था, उनसे मोहब्बत नहीं थी, मगर एक बात थी कि वो जो बाप बेटे का रिश्ता होता है कि मैं उनकी छत्र छाया में पलूँ, ऐसा नहीं हुआ। ये मेरी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा, एक मेरे दिल में गम है अभी तक, और मुझे अभी तक इस बात की, इसका थोड़ा दुख है कि हम इतनी करीब नहीं रह सके जितना हमें रहना चाहिए था। और मैं बड़ी कम उम्र में चला गया सोवियत रूस, क्योंकि वो बड़े रूस के बड़े फ़ैन थे, कहते थे कि मुस्तकबिल इसी मुल्क का है, वहीं जाके पढ़ो। तो मैं वहाँ 6-7 साल पढ़ा, जब तक वापस आया तो मेरी 26-27 साल की उम्र थी, मैंने अपना करियर शुरू कर दिया। इसलिए थोड़ी सी अब हम दोनों में एक फासला सा रहा, मगर प्यार बहुत, मोहब्बत बरकरार रही। ही वॉज़ अ वेरी वेरी फैंटास्टिक एंड अ वेरी ग्रेट डैड, बहुत ही कमाल के वालिद थे वो, जैसे कि आप किताब में पढ़ेंगे। कई प्रसंग हैं जी। तो सर, कोई ऐसा कोई प्रसंग बताइए जो जिसमें आपके वालिद साहब के साथ आपकी जो एक इंटीमेसी, जो बॉन्ड डेवलप हो रहा था जिस दौर में, क्योंकि शुरुआत में जब वो वापस लंदन से आए तब आपका मिलना हुआ उनसे, और फिर वो भी ज़रा सुना है, बड़ा इंटरेस्टिंग वाक्य है कि जो आपकी एक बहन साथ में आई थी उस समय, जो लंदन में ही पैदा हुई थी, शबनम जी, तो उनके साथ जो आपका शुरुआती जो एक, पहले आप
और आप अपने पिता को घूरते रहते थे, वो कोशिश करते थे उस डिस्टेंस को खत्म करने के। तो वो क्या इंटरेस्टिंग बात है, सात साल के लड़के को, मेरे को, मुझे किसी ने पहले, मुझे इल्म नहीं था कि वो हमारे, मेरे लिए तो भीष्म जी, मेरे दादाजी, वो मेरे माता पिता थे, वो मेरे, उनके साथ हमेशा रहा। तो जब 6-7 साल की उम्र में मुझे कहा कि नहीं ये तुम्हारे पिता हैं, मुझे तो याद ही नहीं था इनको, मतलब 6 साल की उम्र में छोड़ के चले गए थे, तो थोड़ी सी एक अजीब सा महसूस होता था। मैं घूरता रहता था उनकी तरफ, उनको अजीब सा लगता था। शबनम जो कि अब 3 साल की थी, वो मेरी तरफ घूरती रहती थी कि उसे कहा जाता था कि ये तुम्हारा भाई है। मैं उसकी तरफ घूरता था कि ये कौन आ गई भाई, सडनली अनास मुझे कह रहे हैं कि मेरी बहन है। तो अजीब व गरीब हालात थे उस जमाने में। और ही वॉज अ, बहुत उन्होंने कोशिश की कि हम लोग नज़दीक आए एक दूसरे के, मगर कुछ ऐसे हुआ कि उसके बाद फिर मैं अम्बाला चला गया भीष्म जी के पास, क्योंकि वो हमारी माता जी की का देहांत हो गया, उनको लगा कि अकेले वो दोनों बच्चों का की परवरिश नहीं कर पाएंगे, इसलिए फिर हमारे लिए एक 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 जगह से दूसरी जगह जाना शुरू हो गया। और रिश्तेदारों के साथ रहना हमारे लिए ज़रूरतमंद महसूस हुआ उनको। तो इस वजह से शुरू शुरू में बड़ा, मगर उनकी एक खासियत ये थी कि अभी आपने बताया कि आपको मैं बताऊं, एक और हादसा सुनाऊं आपको। देखिए, ज़्यादातर माँ बाप, हालांकि मुझे इस बात का इल्म नहीं, वो बच्चों को सीख ज़रूर देते हैं कुछ कि ऐसे करो, ऐसे मत करो, ये अच्छा है, ये बुरा है। ये हमारे पिताजी ने, वालिद साहब ने हमें कभी नहीं कहा कि क्या अच्छा है क्या बुरा। उन्होंने जो भी सिखाया, उन्होंने एक मिसाल के तौर पे सिखाया हमें। जैसे कि एक, इसमें एक चैप्टर है जो कि मेरा बड़ा पसंदीदा चैप्टर है। एक बार हम समंदर में, मुझे बड़ा डर लगता था, मैं कुछ 9-10 साल का था, नया नया बम्बई गया था, समंदर को देख के बड़ा डर लगता था क्योंकि बड़े बड़े ऊपर बड़ी ऊंची मौजें आती थी, ख़ास तौर से मानसून में बड़ा समंदर रफ हो जाया करता था और कोई अंदर जाता नहीं था, मछेरे भी कभी अंदर नहीं घुसते थे समंदर में। और पिताजी उस ज़माने में, पिताजी को बड़ा शौक था तैरने का, और वो उसी मौसम में ज़्यादा तैरते थे, और मैं बैठा बैठा देखता रहता था तट से, अपना बीच पे बैठ के उनको देखता रहता था। डर लगता था मुझे कि इतनी बड़ी वेव्स आ रही हैं, मौजें आ रही हैं, कहीं ये कर क्या रहे हैं, इनको क्या ज़रूरत है इस मौसम में स्विमिंग करने की। और मुझे भी कहा करते थे कि बेटे तू चिंता मत कर, जितना समंदर रफ हो, जितना तूफानी माहौल हो, मुझे ज़्यादा पसंद है। तो एक बार मुझे उन्होंने चेतावनी, मुझे बहुत कम स्विमिंग आती थी, उन्होंने तैरना बड़ा, मैंने अभी भी सीखा था, उन्होंने कहा चल बेटे तू भी चल मेरे साथ। मैं तो, मेरी तो हालत ख़राब हो गई देख के समंदर के हालत को। मैंने कहा ये तो आज पिताजी क्या कह रहे हैं मुझे। उन्होंने कहा बेटे हम इतने पानी में जाएंगे, उससे आगे नहीं जाएंगे, तू तेरे दिल में जो डर बैठा हुआ उसे दूर कर। तो मैंने सोचा थोड़ा सा जाके ऐसे 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 करूँगा, थोड़े से पानी में। मगर हुआ कुछ ऐसे कि बड़े ज़ोर की टाइट थी और हमें एक बहुत बड़ी ऊंची वेव आई, मौज आई, वो हमको लेके चली गई बीच समंदर के। और समझिए कि 10 मिनट के, 5-10 मिनट के अंदर अंदर ज़मीन से, तट से बहुत दूर हो गए हम। और मुझे लगा कि मैं ज़मीन को, धरती को छू नहीं सकता, और अब अंतिम समय आ गया है, अब आगे क्या होगा। तो मैंने चीखना चिल्लाना शुरू किया, बहुत ज़ोरों से हाथ पैर मारने शुरू कर दिए। पिताजी ने कहा बेटे ये तरीका नहीं है, समंदर दरअसल समझो कि तुम्हारी माँ है, इसका पानी नमकीन है, अगर तुम चुपचाप खड़े रहो तो भी ये तुम्हें कुछ नहीं करेगा, तुम डरो मत। सिर्फ ये ज़िंदगी में अचानक इतना डर जाना और हाथ पैर मारने, इससे कुछ नहीं बनेगा। और उन्होंने, और कई घंटे हम पानी में रहे, अंदर जाते गए और 1-2 मील दूर हो गए। उसके बाद उन्होंने कहा कि बेटे ये भी याद रखो कि ज़िंदगी में जो टाइड है वो हमेशा बदलती है, अब हम दूर जा रहे हैं, ज़रूर टाइड अंदर वापस आएगी, फिर हम मस्ती में पहुंच सकेंगे तट तक।
वही हुआ, एक दो घंटों के बाद टाइड स्टार्टेड कमिंग इन और हम तैरते तैरते वापस आए। उन्होंने मुझे कहा ये तुम्हारे लिए पहला सबक है, जिंदगी में कई बार ऐसे होगा कि तुम अपने आप को बिल्कुल बेसहारा महसूस करोगे, डर जाओगे परिस्थितियों से, माहौल से। कभी डरना नहीं बेटे, धैर्य बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, धैर्य रखो और कभी हार मत मानो। ये सबक जो उन्होंने सिखाया, मेरे बचपन में सिखाया, मगर वो सारी ज़िंदगी मेरा उसूल रहा है, क्योंकि हर एक की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आता है, आप सबकी ज़िंदगी में भी आया होगा, मगर कई लोग डर जाते हैं और घबरा जाते हैं। उनसे यही सीखा कि ज़िंदगी में कभी घबराना नहीं, हरी से लगे रहो रे भाई, बनत बनत बन जाई, लगे रहो। मुन्ना भाई के मैं सीखा दूसरी बार मैंने कि लगे रहो बस। तो ये ऐसे इनकी उनकी उनकी ऐसी आदत थी कि वो हमेशा इस तरह से सिखाया करते थे धीरे धीरे, मगर ये सही है कि उनसे थोड़ी सी दूरी रही मैं हमारी। जी परीक्षित जी, अजय साहनी से परीक्षित साहनी बनने का जो किस्सा है वो भी हमारे यहाँ मौजूद लोगों को बताइए, उसके बाद कुछ और चीज़ें। दूरे वाला ये किताब में इसका कोई जिक्र नहीं। जी जी, मगर ये किताब से बाहर का जिक्र है, मगर ये बहुत बड़ा एक जिंदगी का एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ है आपका। देखिए ऐसा था कि मैं सीख के आया था फिल्म डायरेक्शन, फिल्म एक्टिंग नहीं सीखी थी मैंने बिल्कुल, और मैं राइटिंग में ज़्यादा अपना स्क्रिप्ट राइटिंग एडिटिंग वगैरह में ज़्यादा मेरी दिलचस्पी थी। तो जब मैं आया, मेरी दूसरी किताब अभी लिख रहा हूँ मैं, जिसमें ये जो बड़े बड़े सितारों के जो बेटे होते हैं वो अक्सर ख़राब हो जाते हैं, दे आर बिकम लाइक स्पॉइल्ड ब्रैट्स। दरअसल ये अपना क्या नाम है इनका, अनिल धारकर साहब ने जब हमारी किताब की लॉन्चिंग की मुंबई में, तो उन्होंने मेरा मुझसे पहला सवाल यही पूछा था कि वही वो स्पॉइल्ड ब्रैट। तो मैंने बड़े गौर से सोचा इसके बारे में, मुझे लगा कि हाँ मैं था वाकई, आई वॉज अ स्पॉइल्ड ब्रैट। और क्योंकि पिताजी के होते हुए हमको बड़ी शोहरत मिलती थी, उनके नाम से हम लोग हमें पहचानते थे कि बलराज सहनी साहब का बेटा है, कॉलेज में स्कूल में बड़ी हमें मतलब एक स्पेशल जगह दी जाती थी। तो मुंबई वापस लौटने के बाद मॉस्को से मज़े ले रहे थे सर, क्योंकि डायरेक्शन डायरेक्शन का तो कुछ सामने नज़र नहीं आ रहा था, मगर हम मस्ती कर रहे थे। बुरी आदतें पड़ गई थी मॉस्को में जी, रूस जगह ही ऐसी है, जवानी के ज़माने में वहाँ बस आदतें कुछ ख़राब पड़ गई थी हमें, और मैं अपना वक्त ज़ाया कर रहा था मुंबई में, आई वॉज अ स्पॉइल्ड ब्रैट। तो वालिद साहब को कुछ ऐसे महसूस हुआ कि इसको किसी काम पे लगाएं, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि एक फ़िल्म है हमारे दोस्त की अनोखी रात, उसमें छोटा सा रोल है, वो करो, तुम ज़रा पहचानो कि हिंदुस्तान में क्या माहौल है और कैसे फिल्में बनती हैं। तो हमने हाँ कर दी, और ना मुझे हिंदी आती थी, ना उर्दू आती थी, ना हिंदुस्तानी आती थी, ना मैं स्क्रिप्ट समझ सका, ना मुझे दिलचस्पी थी। और उस पिक्चर में वो तकरीबन पहली फिल्म संजीव कुमार की भी थी, हरी भाई, उसके साथ दोस्ती हो गई। तो प्रोड्यूसर बेचारा बड़ा परेशान हो रहा था, क्योंकि उस ज़माने में फिल्म आजकल की तरह, आज तो डिजिटल है मामला, उस ज़माने में फिल्म इस्तेमाल होती थी, बड़ी महंगी थी, एक डब्बा तकरीबन 10,000 रुपये का आता था। और कोशिश यही होती थी आर्टिस्ट की कि ज़्यादा रीटेक ना हो, बेचारे प्रोड्यूसर का पैसा ज़ाया ना हो। तो एक ओके होता था, एक लेते थे सेफ्टी के लिए टेक, मेरे बेटा आशा टेक आफ्टर टेक आफ्टर टेक आफ्टर टेक, क्योंकि हिंदुस्तानी आती थी नहीं, डायलॉग समझता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, रूस से आया था, रूसी में सोचता था, रूसी में बोलता था। तो प्रोड्यूसर साहब ने मुझे सोचा कि इसको निकाल दिया जाए तो बेहतर होगा, उन्होंने डैडी से कहा कि इसको प्लीज़ ले जाओ वापस घर, जो कर रहा है करते करने तो मेरे को बर्बाद कर रहा है ज़िंदगी। तो उस वक्त हरी भाई जी, संजीव कुमार हमारा दोस्त था, उसने प्रोड्यूसर को कहा नहीं 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 नहीं, इसका अपना स्टाइल है, अरे दिलीप साहब तो 36-36, 40-40 रिटेक देते हैं। उसने कहा भाई दिलीप साहब हैं, ये कौन है नया लड़का आया है बेचारा हमको बर्बाद कर रहा है। मगर संजीव ने मुझे बचाया और उसने कहा देख तू एक काम कर, एक तो तेरा नाम बड़ा टेढ़ा मेढ़ा है
मैं अपना नाम अजय रखना चाहता था, मैंने संजीव रख लिया, तू अपना नाम अजय रख ले। मैंने कहा यार मैंने एक्टर तो बनना नहीं है, तो मैं यूं ही मजाक मजाक में फिल्म कर रहा हूँ, मुझे मेरा नाम तू गधा रख दे, कुत्ता रख दे, बिल्ली रख दे, कुछ भी रख दे, नो प्रॉब्लम। तो उसने कहा इसका नाम अजय सहनी दे दो। इत्तेफाकन वो पिक्चर बड़ी हिट हो गई सर जी, बहुत बड़ी हिट हो गई वो फिल्म, अनोखी रात। देखिए जो कहते हैं कि आर्टिस्ट की वजह से फिल्म हिट होती है वो गलत बात है, जो लेखक है बिल्कुल बहुत सही बात, वो सही लिखे आपका रोल तो आपके लिए उस रोल को ठीक से न निभाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मेरे लिए उस बेचारे हशमत साहब थे मेरे ख्याल से, उन्होंने बहुत उम्दा डायलॉग लिखे थे, एक एक बड़ा तालियों वाला डायलॉग था। पिक्चर बड़ी हिट हो गई, उसके बाद सर माफ़ कीजिएगा लोगों ने नाम ही रख दिया अजय, उसके बाद भूल गए कि हम कुछ और भी कर सकते हैं, उसके बाद बस एक्टिंग का दौर ही शुरू हो गया सर, आज तक वही कर रहे हैं। सर इसी सिलसिले को अभी आपने टेक्स की बात कही है जी, और मैं एक वो वाकया चाहूँगा आप सुनाएं जिसमें कि आप बलराज साहब के साथ आप एक्ट कर रहे थे। जी जी जी, और वो कई टेक्स हुए थे, आप वो पूरा वाकया बताएं। देखिए ये आपको इस बात के बारे में बताएगा कि पिताजी किस किस्म के एक्टर थे, किस किस्म के इंसान थे, क्या उनका नज़रिया था अपने काम के बारे में, कितनी गहराई में वो डूब जाते थे अपने रोल में। एक फिल्म थी जनाब जिसका नाम था शहीद ऊधम सिंह, मैं नया नया था, रोल मुझे मिला, शायद डैडी ने लोगों ने कहा कि चलो भाई बलराज सहनी का बेटा है तो इतना ननायक तो नहीं होगा जितना लगता है, शायद थोड़ा बहुत जानता हो एक्टिंग के बारे में, तो मुझे ऊधम सिंह के रोल में ले लिया सर। तो पिताजी का रोल किसी गांधीवादी का रोल था, ही वॉज अ गांधीयन, प्लेइंग सम गांधीयन, जो के खिलाफ थे इनकलाबी तौर तरीकों से, नॉन वायलेंट, अहिंसा में उनका यकीन था। तो उनकी एक सीन में ऊधम सिंह के साथ बड़ी मुठभेड़ हो जाती है, बहुत बहस हो जाती है, ऊधम सिंह कहता है कि गांधी जी के रास्ते पर चल के आप गलत कर रहे हैं, सिर्फ अहिंसा हिंसा के रास्ते से बरतानिया को यहाँ से निकाल सकते हैं हम। और पिताजी का रोल ये था कि वो कह रहे थे कि नहीं बेटा ये अहिंसा के ज़रिए सही, ये अहिंसा ही सही रास्ता है। और उस सीन के अंत में मैंने उनका जो किरदार था गांधीवादी का जी, उनकी तरफ थूकना था, मुंह पर थूकना था, लिखा था कि मुंह की तरफ थूकते हैं, मगर मैंने कहा वो तो खैर नहीं होगा, इट्स नॉट पॉसिबल टू स्पिट ऑन योर ओन फादर यार। तो मैंने साइड पे थूक दिया, डायलॉग याद कर लिए, मैंने कहा बालक साहब सामने है भाई, डायलॉग वालॉग याद करके जाओ आज। तो पहला शॉट बोलते 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 मैंने गर्मा जोश में आके साइड पे थूक कर दिया, और डायरेक्टर ने कहा कमाल हो गया सर, क्या बढ़िया शॉट दिया आपने, वेरी गुड वेरी गुड, ओके। डैडी ने कहा ओके नहीं, वन मोर, ठीक है वन मोर। शायद डैडी ने सोचा मेरा कुछ एक्सप्रेशन ठीक नहीं था, वन मोर हुआ। इस बार मैंने फिर थूका तो डैडी ने कहा नहीं वन मोर, मैंने कहा डैड व्हाट्स द प्रॉब्लम, आपने बढ़िया शॉट दिया, मैंने भी डायरेक्टर कह रहा है बढ़िया, कहते तो लिखे हुआ है, माफ़ करना पंजाबी बोल दे सी, वहाँ लिखा हुआ है कि तुम मेरे मुंह की तरफ थूको। मैंने कहा सर अभी उधर थूक दिया, इधर थूक दिया, आप सामने थूक दिया, अभी मुंह की तरफ थूक, नॉट पॉसिबल सर, आई विल नॉट बी एबल टू डू इट, इसे तो करना पड़ेगा। डायरेक्टर ने कहा बलराजी बड़ा अच्छा शॉट हुआ, तो खाम खा ये थूकना तो ऐसे लिखा हुआ है भाई देवे, इसलिए भाई देवे ने लिखा, अगर लेखक ने तो उसने जरूर कुछ सोच के लिखा होगा, तो थूक मेरे मुँह की तरफ थूक। और मैंने कहा यार ये तो कहाँ फंस गए भाई, गॉड पिताजी के तरफ थूकना। तो मैंने सोचा कि चलो मैं एक्टिंग उसकी एक्टिंग कर दूंगा, आई विल नॉट रियली स्पिट ऑन हिम। सो जब शॉट हुआ तो मैंने कहा बोलते 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 तैश में आके मैं जो कुछ बोलना था कह के मैंने कहा थूक कर दिया। डैडी ने कहा वाह 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 ये तो कमाल ही हो गया, बेस्ट शॉट, प्रिंटेड प्रिंटेड। डैडी का ठहरो भाई नो दिस इज नॉट करेक्ट, वन मोर। तब तक कोई 10-12 शॉट हो गए थे, डायरेक्टर बेचारे उसके बाल बाल झड़ गए थे। उसने कहा पिताजी अब क्या डैड सानी साहब अब क्या प्रॉब्लम है, उन्होंने कहा इसने थूका नहीं,
इसने माइम किया। वो थूक मुझे महसूस करनी चाहिए। मैं कहा डैड वो तो नहीं होगा। तुझे काफी सारा दिन लगा रहेगा, डायरेक्टर मर जाएगा बेचारा। यू मस्ट स्पिट ऑन मी। और हुजूर बात ये थी कि जब तक मैंने उनकी तरफ थूका नहीं, शॉट ओके नहीं हुआ। ये बलराज साहनी। और मैं रो पड़ा था उसके बाद, सोच के अब भी मुझे रो रहा है कि मैंने क्या हिमाकत कर दी, पिताजी के ऊपर थूक दिया। तो आए उन्होंने मुझे गले लगाया, उन्होंने कहा बेटे ये पहला उसूल एक्टिंग का, आई एम नॉट योर फादर नाउ, आई एम द कैरेक्टर, यू आर नॉट परीक्षित साहनी, यू आर उधम सिंह। अगर इतना नहीं समझोगे तो बाद में एक्टिंग क्या करोगे। सो दैट वॉज हिज डेडिकेशन। क्या बात है। यहाँ एक बात ये आई कि शुरुआती तौर पर हिंदुस्तानी बहुत अच्छी तरह से नहीं आती थी और डायलॉग बोलने की अपनी एक आपकी समस्याएं थी, लेकिन जब भी कभी आपसे बात की जाए और किसी भी मुद्दे पर बात की जाए, आपकी जबान की जो शाइस्तगी है वो बड़ी कमाल की है। तो इस पर जो काम किया और बलराज साहब से जो मदद आपको मिली होगी उसके बारे में ज़रा हमें बताइए, क्योंकि वो स्पॉइल्ड ब्रैट वाला पक्ष कहीं नज़र नहीं आता। आपकी जबान, आपकी शख्सियत, आपकी नाजुकी, वो कमाल की है। हुजूर आप वही सब चीजें पूछ रहे हैं जो किताब में नहीं है। किताब पे पूछने का जिम्मा मेरा बार का पूछेगा। हम लोग दो अलग अलग मोर्चे संभाल रहे हैं। देखिए ये सही है कि मैं हिंदुस्तानी जानता नहीं था। पिताजी ने एक बार ऐसे ही कह दिया, दुर्भाग्यवश अफसोस की बात है बहुत, कि बहुत जल्द हमको छोड़ के चले गए। मगर उन्होंने कहा मुझे कि बेटे एन एक्टर मस्ट नो हिज लैंग्वेज बेटर देन हिज मदर। क्या बात है। जितना तुम अपनी माँ को जानते थे उससे ज़्यादा तुमको अपनी ज़बान जाननी चाहिए। और डायलॉग डिलीवर करना एक मुख्तलिफ बात है, डायलॉग याद करके रट के बोल देना अलग बात है। मेक ए मैजिक सर्कल, तुम्हें सब कुछ महसूस करना चाहिए। और उसके बाद देखिए ये ज़बान की जो सिलसिला है उसका उसका सीक्रेट ये है कि एक हमें सीरियल मिला जिसका नाम था गुलगुलशन गुलफाम। वो शायद आपको याद नहीं, बहुत पुराना सीरियल था मगर बहुत हिट हुआ। लेख जी का सीरियल? नहीं, लेख जी का नहीं था, वो प्राण किशोर साहब ने लिखा था। वो कश्मीर के बारे में था और उसमें हमने एक मल्लाह जो होते हैं हाउस बोट ओनर, 70 साल का, उसका रोल मुझे निभाना था। तो प्राण साहब ने लिखे थे डायलॉग्स और प्राण साहब बड़े माहिर हैं उर्दू के और फारसी के, और वो बड़ा रोल हमारे दिल के करीब था क्योंकि पार्टीशन के बाद मैं ज़्यादा बचपन सारा हमारा कश्मीर में बीता और कश्मीरियों से और कश्मीर से बड़ा लगाव था, बड़ा बड़ी मोहब्बत थी, जो कि मैंने किताब में भी लिखा है। बल्कि बलराज जी की बायोग्राफी में भी कश्मीर बहुत विस्तार से आता है। वो कश्मीर को बहुत पसंद करते थे, उनके जिगर का टुकड़ा था वो। तो वहाँ पे सर मुझे अपने जेड़े की बातें याद आईं और मैंने कहा कि अब इस बार इस रोल के साथ तो पूरी तरह से इसको सही ढंग से निभाना चाहिए। तो मैंने फिर उर्दू सीखी, हिंदुस्तानी सीखी, हिंदी सीखी, भीष्म जी की किताबें पढ़ी, उर्दू की किताबें खरीदी, मिर्ज़ा गालिब वगैरह सबके बड़े बड़े जो शायर हैं हमारे, शायर लुधियानवी साहब वगैरह, अपना जावेद साहब के वालिद साहब जानसार अख्तर साहब, उनकी सब की किताबें खरीद कर थोड़ा बहुत। मैंने कहा कि भाई, और पिताजी को ये यकीन था कि ये हंसते थे वो जब भी पाकिस्तान के रेडियो सुनते थे, वो कहते थे कि ये उनकी ज़बान है ही नहीं यार, ये तो ज़बान उर्दू हमारी है और ये लश्करी ज़बान है जो कि बड़ी नेचुरली इवॉल्व हुई है। और हिंदुस्तान में बेहतर यही होगा अगर हिंदी और उर्दू को मिक्स करके बोलें तो बड़ा अच्छा साहित्य लिखा जा सकता है, जो कि भीष्म जी ने किया अपने नॉवेल्स में। तो मैंने फिर ज़रूरी समझा कि हिंदी साहित्य भी पढ़ा जाए, उर्दू भी कभी थोड़ा बहुत अध्ययन किया जाए। लिखते तो वो पंजाबी में थे, कहते थे कि
زبان ٹیگور صاحب نے ان کو کہا تھا کہ لکھو تو صرف پنجابی میں لکھو, اپنی زبان میں لکھو. بھیشم جی کے ساتھ ان کی لڑائی ہوتی تھی کہ تو پیچھو تو ہندی کیوں لکھ رہے ہیں, ساری زبان پنجابی ہے, تو لکھتے تو پنجابی میں تھے. اس کی وجہ سے انہوں نے مجھے گرمکھی بھی کہا کہ ضرور سیکھو, جو بڑی مشکل سے میں نے سیکھی. گرمکھی کا اسکرپٹ بھی تھوڑا بہت آ گیا مجھے, تو اس کی وجہ سے تھوڑی سی زبان کی طرف توجہ دینی پڑی. حضور ہمیں اگر ایکٹر بننا ہے تو آج اگر کوئی مجھے پوچھے کہ دلیپ صاحب کیوں اتنے مہان تھے, امیتابھ کیوں ہے, تو بیسیکلی اٹ از بیکاز آف ہز وائس اینڈ ہز لینگویج. کیونکہ اس کے پتا جی ہرونش لائے بچن صاحب تھے اور وہ ماہر ہے ہندوستانی کا, تو بولتا بہت خوبصورت ہے اپنے ڈائلاگس, وچ از دا بیسس آف ایکٹنگ. سر اسی کو کنٹینیو کرتے ہوئے, کیونکہ آپ نے اس میں لکھا ہے وہ ایک پرفیکشنسٹ تھے اور میتھڈ ایکٹر تھے, بیسکلی میتھڈ ایکٹنگ میں یقین رکھتے تھے. تو دو بیگھا زمین کے لیے جو انہوں نے شمبھو کے لیے جو تیاری کی تھی, ذرا وہ بتائیں, وہ کتاب میں آپ نے بڑے وستار سے بتایا اسے. دیکھیے وہ کبھی کوئی رول نہیں کرتے تھے بنا تھوڑی تحقیقات کیے اور اس کے بارے میں جاننے کے, مطلب ضرور وہ کوئی نہ کوئی جا کے پہلے ریسرچ کرتے تھے, اس کے بعد وہ رول کرتے تھے, چاہے کوئی بھی رول ہو. مثال کے طور پہ انہوں نے جب کابلی والا کا رول کیا تو کوئی 10-15 دن 20 دن کے لیے غائب رہے وہ گھر سے. ماتا جی ہماری ڈر گئیں, سب ڈر گئے کہ کہاں غائب ہو گئے ہیں, کیا ہو گیا, کہیں گر گئے, ٹرین سے گر گئے, مر گئے, کیا ہوا, کہیں پولیس میں اطلاع کرو بھائی. وہ 10-15 دن کے بعد واپس لوٹے, داڑھی بڑی ہوئی تھی, پگڑی پہنی ہوئی تھی. انہوں نے کہا بھائی تم لوگ کیوں پریشان ہو رہے ہو, میں نے کابلی والے کا رول کرنا ہے, یہ کابلی والوں کی ایک تھوڑی سی کالونی ہے یہاں پہ سائن میں, میں 10-15 دن ان کے ساتھ رہا, سیکھا میں کیسے چلتے ہیں, کیسے اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں, ان کا کیا لہجہ ہے, کیسے بولتے ہیں وہ, تبھی میں نے رول کیا. اسی طرح سے وہ جو بھی رول کرتے تھے, جیسے کہ انہوں نے حقیقت میں ایک فوجی کا رول کیا, آرمی آفیسر کا, تو وہ ایک مہینہ دس دن کیا میرے خیال سے 1-2 مہینے جا کے کالینا میں باقاعدہ ٹریننگ لیتے رہے آرمی کے جوانوں کے ساتھ. گھر آتے تھے تو یہاں پہ سب ان کے خون بہرا ہوتا تھا, کیونکہ وہ کرالنگ سیکھتے تھے, سلوٹ مارنا سیکھتے تھے, مارچ پاس سیکھتے تھے, سب سیکھا انہوں نے پہلے, پھر جا کے رول کیا. اور اسی طرح جو پہلی فلم تھی جو بڑی سکسیزفل فلم ہوئی, پہلے تو ہم لوگ ان کی ایک فلم بہت چلی, اس کے بعد دوسری فلم میں جو انہوں نے رول کیا وہ تھی یہ دو بیگھا زمین, جس کے لیے وہ باقاعدہ جا کے کسانوں کے ساتھ بیٹھے, ان کے چلنے کا ڈھنگ, اٹھنے کا ڈھنگ, بیٹھنے کا ڈھنگ, ان کے تکلیفیں محسوس کی, ان کے ساتھ کھانا کھایا. جب کلکتہ پہنچے تو انہوں نے کہا ڈائریکٹر صاحب کو کہ مجھے تین چار دن دیجئے. انہوں نے رکشہ کو سڑک پہ بھگایا بنا جوتوں کے, اپنا وزن کم کیا اور انہوں نے بہت پریشرم کیا, پھر جا کے انہوں نے وہ رول کیا. تو یہ ان کی ایک خاصیت تھی کہ وہ کہتے تھے کہ ہر رول پہلے ایک ماڈل ڈھونڈو, پھر اس کے اوپر آپ کام کرو, بنا اس کے وہ کبھی کام کرتے نہیں تھے. اسی لیے ان کی ایک حقیقت سی دکھائی دیتی تھی ان کے پرفارمنس میں, لگتا تھا کہ یہ سچ بول رہے ہیں, یہ کوئی ایکٹنگ نہیں کر رہے, ایک بڑے حقیقت پسند انسان تھے وہ. ہی بلیوڈ ان سوشلسٹ ریئلزم سو ہی فالوڈ دیٹ. سر سوشلسٹ ان کے وچار دھارا کی بات آئی ہے تو ایک پارٹی کا ذکر آپ نے کیا ہے, جہاں دلی اپنے ایک متر کی پارٹی میں وہ گئے تھے اور وہاں پر ایک مہیلا سے ان کے تھوڑی کوئی جھڑپ سی ہو گئی تھی, اور پھر اس کے بعد انہوں نے ایک ویٹر کے ساتھ جو سمے بتایا تھا, ذرا وہ واقعہ سنائے سر, وہ بھی بڑا انٹرسٹ. یار اگر میں سب سنا دیا تو کوئی ہماری کتاب تو خریدے گے نہیں سر. نہیں نہیں سر, اب اتنا ہی سنائیں جتنے کی جگیاسا بڑھے. بس حضور دیسا ایسا تھا کہ ان کے لیے وہ مارکسسٹ تھے, پرگتیشیل انسان تھے, ان کو اگر لگاؤ کسی ورک کے ساتھ تھا تو وہ تھا محنت کش انسان کے ساتھ, اور ان کو اگر نفرت تھی تو وہ جس کو برجوئی کہتے تھے, برجوا
ये एक गाली थी उनके लिए, किसी को कैपिटलिस्ट वगैरह तो छोड़ो, वो तो साफ है, मगर बुर्जुआ जो था उनके लिए एक बहुत एक एक बुरा लफ्ज था, एक गाली थी, यार उसके बारे में बात मत करो, बुर्जुआ है, मतलब एक गाली देने के बराबर था। तो एक बुर्जुआ औरत मिल गई उनको, सर हमको ले गए थे, मैं कॉलेज में पढ़ता था सेंट स्टीफन्स में दिल्ली में, तो वो किसी ने कहा कि यार हमारे एक दोस्त है कृपाल साहब, उनके यहाँ पार्टी है, तू आ जा थोड़ा। मैं हॉस्टल में रहता था एज यूजुअल, खाना वाना वहाँ बहुत ख़राब मिलता था, मैंने कहा चलो वहाँ जाके खाना वाना खा लेंगे। डैडी सब आए सर, बड़े सूट वूट पहन के, टाई वाई बढ़िया। पिताजी पहुँचे लुंगी कुर्ते में, और नीचे उन्होंने कहा मैं जाऊँगा पंजाब की ड्रेस पहन के, भाई अंग्रेज चले गए हैं। और माहौल दिल्ली में उस ज़माने में ऐसा था कि अंग्रेज़ों की जगह हिंदुस्तानियों ने ले ली थी, और लगते भी अंग्रेज़ ही थे। तो पहली तो ये उनकी एक थी बात। दूसरा एक औरत थी जो उनको लगा कि ये बुर्जुआ है, क्योंकि उसने बातें उल्टी सीधी शुरू कर दी। पहले देखो पिताजी के पोशाक देखे, कहा कि कौन हो भाई तुम, जोकर कहाँ के हो, क्या करते हो? तो पिताजी ने कहा मैं एक्टर हूँ। तो उन्होंने कहा कि एक्टिंग ये तो बड़ा मनहूस प्रोफेशन है, कौन सी फिल्म में काम करते हो? तो उन्होंने कहा कि भाई हिंदी फिल्म है। तो हिंदी फिल्म है बकवास, आप यहाँ कैसे पहुँचे? ये तो डैडी को बहुत बुरा लगा, और बाकी लोग भी थोड़े से अजीब सा लग रहा था उनको कि पिताजी लुंगी कुर्ता में आ गए जब सब यहाँ सूटेड बूटेड हैं। तो डैडी ने कहा कि आप तो कहाँ की फिल्में देखते? फिर एक फ्रेंच फिल्म आई है, उसका नाम था हिरोशिमा मोन अमूर, मुझे याद है, मैं सब सुन रहा था। आपने वो फिल्म देखी? उसने कहा जी बिल्कुल, एक वो फिल्म बस मिस कर गई, मैं बाकी सब देखी है फ्रेंच फिल्म। उसने कहा अच्छा, मैं आप सबको सुनाता हूँ क्या फिल्म के ओपनिंग क्या क्या था। और पिताजी ने जो शुरू की बातें, तो लोगों के हाथ से गिलास बिस्की के गिरने शुरू हो गए सर, लोग अचंबा हो गया लोगों को, बिकॉज डैडी ने पूरा डिस्क्राइब किया कि उनकी फिल्मों में क्या है। इसका मैडम उस फिल्मों में पहला शॉट है एक नंगी औरत, तो पहला झटका उस औरत को लगा। फिर उन्होंने और भी बातें सुनाई कि उसके बाद एक इसके साथ एक लेटा हुआ है नंगा शख्स, तो आपको तो पसंद होगा ये सब, आप तो बाहर की फिल्में ही देखते हैं, हिंदी फिल्मों में ऐसा नहीं होता। तो उन्होंने पूरा डिस्क्राइब करना शुरू किया, और कृपाल साहब ने आके कहा कि अब बंद करो बलराज, बहुत हो गया यार। उन्होंने कहा जी ये लोग खामखा हिंदी फिल्मों, दो बीघा ज़मीन, मैंने इसको कहा कि देखी कि नहीं, इस लड़की ने औरत ने कहा कि मैं हिंदी फिल्में देखती नहीं, पर सब बकवास है, मैंने हम लोग में काम किया है, मैंने काबुलीवाला में काम किया है, दीज आर गुड फिल्म। तो एनीवे उसके बाद उनको एक वेटर आया जो बिस्की बांट रहा था, तो डैडी ने कहा बेटे तू इधर ला बिस्की, ला तू भी एक ले और मेरे साथ बैठ जा कारपेट पे। सब लोग खड़े सोफे वोफे बैठे थे, पिताजी ज़मीन पे बैठ गए कि तू पंजाबी बोलना है कितों तरह नाला जी? कहा जी मैं जलंधर था, बस ठीक है गल गप्पा छप्पा मारने। तो वो बाकायदा सारी पार्टी के दौरान बैठ के ज़मीन पे कारपेट पे उसके साथ गप्पे मारते रहे, उसको शराब पिलाते रहे। वो बेचारा दो तीन पैक के बाद टुन भी हो गया, और बेचारा कहता रहा कि सानी साहब मेरा कम चला जाएगा, मैंने कर देने की नौकरी तो कृपाल साहब तुसी वो तो बहन आ यार सारे बुर्जो आ गए तू बह तू मेहनत कर इंसान है तू मेरे नाल बह तू विस्की पी उसके बाद रोटी खाई चंगी तरह। सो ये डैडी का एक अपना तरीका, जैसे मैंने कहा है कि ही वॉज अ नॉन कॉन्फॉर्मिस्ट, कॉन्फॉर्मिटी इज मीडियोक्रिटी, वही उल्टा करते थे जो उनको लगता था कि जो सही है वही करना चाहिए, जो मेरी दिल की बात है वो करूँगा मैं। अगर वो चाहते तो उस लड़की के साथ उस औरत के साथ दो बातें करके समाप्त कर देते ये पूरी दिस कॉन्वर्सेशन, मगर उनको महसूस हुआ कि सबक सिखाना ज़रूरी है बुर्जुआ को। जनाब बहुत सही बात है जनाब, हम एक तरफ वो बातें कर रहे हैं जो इस किताब में शामिल हैं, और दूसरी तरफ बलराज साहनी की ज़िंदगी की कुछ और अनछुए किस्सों की बातें हो रही हैं। एक पूरा दौर उनका है शांति निकेतन वाला, और एक दौर है जहां वो बीबीसी में चले गए थे और एक रेडियो पर्सनालिटी के तौर पर काम करते थे। मेरा ताल्लुक रेडियो से है, तो जाहिर है कि मैं इन दो पक्षों के बारे में बात करना चाहता हूँ। एक तो जब वो
कलकत्ता के दिनों की बातें और दूसरी चीज है बीबीसी के दिनों की बातें। जाहिर है कि उस वक्त ये वो दौर है जब आपका उनसे बहुत ज्यादा संपर्क नहीं था, लेकिन वो रेडियो के सुनहरे दिन थे। उनकी आवाज कभी सुनते हुए कैसा महसूस होता होगा आपके परिवार को जब वो बीबीसी पे बोल रहे होते थे? हुजूर, आपने ऐसी बात की है, पहले अव्वल तो शांतिनिकेतन में जब वो थे तब तो मैं पैदा ही नहीं हुआ था। जी जी, उसके बाद पैदा हुआ मैं शांतिनिकेतन में, आई वॉज कंसीव्ड। और बिल्कुल, और रही बात रेडियो के, जो रेडियो में अनाउंस करते थे तो मुझे उसका उसके भी खास याद नहीं है। हालांकि किताब में लिखा है कि हर रोज़ शाम को पूरा परिवार, फिलिप्स का रेडियो था, बैठ के ट्यूनिंग करते थे और इंतज़ार करते थे कब पिताजी की और हमारी माताजी की आवाज़ें सुनाई देंगी। मुझे कहा करते थे कि ये तुम्हारे पिताजी की आवाज़ है। क्या बात है। और मैं सुनूं, मैं कहा भाई मेरे को समझ नहीं आ रही कहाँ से बोल रहे हैं, कि मैं बहुत छोटा था। जी, तो मुझे उस ज़माने का कुछ खास याद नहीं। ये रावलपिंडी का ज़माना था, मैं बहुत छोटा था सर। जी जी, लेकिन ये एक अलग सा एहसास है कि पिता जो हैं वो रेडियो पर बोल रहे हैं और आप जहन में उनकी एक कौतूहल के जरिए जो भी तस्वीर बन पा रही है वो बना रहे हैं। और दिलचस्प मुझे यहाँ फिलिप्स के वॉल वाले रेडियो का जिक्र लग रहा है कि पूरा परिवार जो है वो दूर देश में बैठे अपने एक सदस्य की आवाज़ सुन रहा है। रेडियो का वो दौर बीत गया, लेकिन ये जो याद है, बल्कि मैं ये कहूँ क्योंकि मैं रेडियो की दुनिया से आता हूँ, एक बेहतरीन रेडियो उद्घोषक के तौर पर रेडियो की दुनिया में उनको याद किया जाता है और एक आइडियल के तौर पर उनको देखा जाता है। बहुत ही अलग अंदाज में रेडियो पर उनका बोलना रहा था उस दौर में, तो मुझे ज़रूरी लगा कि इस बात का यहाँ जिक्र कर दिया जाए कि एक बेहत न केवल एक थिएटर एक्टर, न केवल सेलुलॉइड के एक्टर, एक चिंतक, एक लेखक होने के साथ साथ वो एक बहुत ही अद्भुत रेडियो पर्सनालिटी भी रहे थे। बिल्कुल, वो दरअसल कहा करते थे कि मैं फिल्मों में कामयाब इस वजह से हुआ हूँ कि मेरा तलफ़ुज़ बड़ा अच्छा है, क्योंकि मुझे मेरा जो रियाज हुआ लंदन में, मुझे सीखना पड़ा सही बोलना। और रेडियो पे जो जिस तरह से आप अपने इमोशंस व्यक्त करते हैं वो ज़्यादा मुश्किल होता है बनिस्बत फिल्मों के, क्योंकि वहाँ पे तो आपका चेहरा दिखाई देता है। तो उन्होंने कहा कि मैंने ज़्यादातर बहुत कुछ सीखा था रेडियो से, इसी वजह से मेरे डायलॉग डिलीवरी इतनी बढ़िया है। क्या बात है जी। तो सर, हम क्योंकि PWA के मंच पर बैठे हैं, PWA से संबद्ध है ये मंच, तो आपने किताब में जिक्र किया, मैं फिर किताब से एक वाक्या आपको बताने को हमें कहूँगा कि आपको मार्क्सिज्म का पहला पाठ उन्हीं से मिला था। ऑफ कोर्स, बिल्कुल बिल्कुल। तो उस पे जरा आप हमें बताएं समय कि किस सर, धर्मशाला की बात है सर। मैं 9 साल का था, अभी पार्टीशन हुआ था, मैं भीष्म जी के साथ धर्मशाला में रह रहा था। माता जी का हमारा देहांत हो गया था, पिताजी अकेले रह रहे थे बम्बई में, तो मिलने आए हमें। वो तो मुझे दिखाई देते थे कई सालों के बाद, 2 सालों के बाद एक बार दिखाई दिए, फिर 3 सालों के बाद दिखाई दिए। इस बार फिर पता चला आ रहे हैं, तो बड़ा खुश हुआ मैं। उन्होंने कहा बेटे चलो सैर करते हैं, एक तेरे को सैर पे ले जाता हूँ मैं। मैंने कहा यस ज़रूर सर। तो पिताजी ले गए, रास्ते में गन्ने खरीदे, गन्ने चूसने लगे और उन्होंने कहा मैं तुम्हें जिंदगी के सबसे ज़रूरी सबक सिखाता हूँ। क्या बात, दैट इज मार्क्सिज्म। मैंने कहा जी क्या, मेरे को समझ नहीं आया, पहली बार सुना मैं, क्या मार्क्सिज्म ये बताइए। तो उन्होंने कहा कि बेटे ये जहाँ से हमने ये गन्ना लिया है वहाँ पे एक बर्फ का टुकड़ा पड़ा हुआ था, उसकी क्या कीमत क्या होगी। तो मैंने कहा सर अभी ये तो थोड़ा बहुत तो पैसा लेगा वो, अगर उससे हम गिलास में डालें गन्ने के जूस के। और वो जो पहाड़ के ऊपर, वो सामने वहाँ भी पहाड़ थे, सामने आपने दिखाई देती थी बर्फ धर्मशाला में, उसका पहाड़ियों का नाम भूल गया हूँ मैं। तो वहाँ से अगर तू बर्फ ले आए तो कितने की पड़ेगी तेरे को। मैंने कहा सर बिल्कुल मुफ्त में बात, जाओ जितनी बर्फ चाहिए उठा लो। तो इसमें बर्फ में और उसमें फ़र्क में क्या फ़र्क है। मैंने कहा सर ये तो बड़ा गहरा सवाल पूछ लिया आपने, मुझे तो कुछ समझ नहीं आया, आई डोंट अंडरस्टैंड। लेबर इज़ द सबसे ज़रूरी चीज़ है, मेहनत। जो बर्फ़ लाया होगा वहाँ से, जिसने बर्फ़ बनाई होगी
उसका मेहनत, उसकी मेहनत उसमें गई है, इसलिए उसका दाम है। पहला लेसन, पहला सबक मार्क्सिज्म का कि सबसे ज़रूरी चीज़ है मेहनत और मेहनत कश इंसान। दूसरा, ये गन्ना ख़त्म हो गया है, गन्ने के खेत थे बहुत, एक खेत से निकाले उखाड़े, मैंने कहा जी बिल्कुल अभी उठा उखाड़ के मैं लाता हूँ दो चार गन्ने के, यहाँ कोई है नहीं, दिखाई नहीं दे रहा सर, खेती खेत है। ठहर जा भाई, अगर पकड़े गए तो क्या होगा, पकड़ा गया कौन पकड़ा जाएगा सर, कोई है नहीं दिखाई नहीं दे रहा, मगर ये गलत है, किसी ने पकड़ लिया तो उसको हमको जुर्माना पड़े। मैंने कहा वो तो है सर, अगर किसी ने देख लिया तो गलत बात होगी, क्योंकि क्यों गलत बात होगी। दूसरा सबक मार्क्सिज्म का, दिस इज प्राइवेट प्रॉपर्टी, और सोशलिस्ट कम्युनिस्ट मुल्क में प्राइवेट प्रॉपर्टी के खिलाफ है माशरा समाज है। तो ये दो सबक उन्होंने पहले सिखाए मुझे, जो माफ़ कीजिएगा मैं बड़ी शर्म से शर्मनाक बात है, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया, मगर ये मुसलसल ज़िंदगी भर वो हमें सिखाते रहे कि मार्क्सिज्म 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 कम्युनिज्म, और आखिरी दम तक वो मार्क्सिस्ट ही रहे, और मज़हब के सख्त खिलाफ थे वो। उनकी एक किताब है जिसका नाम था मेरे दृष्टिकोण, मेरी धारणाएं और मेरे दृष्टिकोण, जिसका पहला जुमला ये है कि मुझे मुल्लाओं से, मुझे पंडितों से, मुझे ये जो गिरजा घर में होते हैं पादरियों से सख्त नफरत। तो वो ये सबक मुसलसल ज़िंदगी में हमें सिखाते रहे, और उसके बाद हमें रूस भी भेज दिया, तो हम भी लगे लगाए देखते दिखाते देखते देखते मार्क्सिस्ट बन गए, जो कि अब मामला उल्टा हो गया है, मार्क्सिज्म किसी हद तक अब दब गई है कैपिटलिज्म के नीचे। चूँकि परीक्षित जी बात इस किताब को लेकर हो रही है, तो आज का ज़माना, जबकि लोग एक हद तक किताबों से थोड़े दूर होते जा रहे हैं, ये किताब लोगों को क्यों पढ़नी चाहिए, कोई एक वजह मुझे बताइए कि ये किताब इस खासियत की वजह से लोग ज़रूरी तौर पर पढ़ें। सर इसके बारे में तो मैंने सोचा नहीं कभी, अब मुझे लगा कि इस किताब में, क्योंकि पिताजी बड़े लोकप्रिय थे एक एक्टर की हैसियत से, लेकिन उनको एक पिता के रूप में, एक दोस्त के रूप में, एक भाई के रूप में नहीं जानते थे लोग, और वो जो उनकी शख्सियत स्क्रीन पे थी एज एन एक्टर, उससे कहीं ज़्यादा महान थे वो। ये मैं इस किताब में कहना चाहता हूँ कि उनके जो, इसके अलावा जो ख्यालात थे, जो जज्बात थे, वो कितने महान थे, उसके बारे में इस किताब में लिखा है मैंने, जिसके बारे में लोग नहीं जानते नहीं। बहुत सही बात है कि बलराज जी की शख्सियत का वो पहलू जो अब तक लोगों के सामने नहीं आया है, वो परीक्षित जी की इस किताब में है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ ये बात थोड़ा सा हमने जिक्र इस परिचर्चा में थोड़ी देर पहले किया था, लेकिन जोर देकर ये बात मैं कहना चाहूँगा कि बलराज जी की आत्मकथा और इस किताब, इन दोनों को अगर साथ पढ़ा जाए तो एक मुकम्मल दस्तावेज तैयार हो जाता है, आपका क्या कहना है? बिल्कुल सर, मेरी किताब, ये किताब पढ़े ना पढ़े कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे लगता है पिताजी की वो किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए, उनकी जो आत्मकथा है, जो सरगुजिश्त है, वो ज़रूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि उसमें उन्होंने जो दिल से, जिस गहराई से लिखा है वो, और ऐसी बातें लिखी है जिनको पढ़ के लोग, मतलब उनको अचंभा होगा। इट्स अ ग्रेट बुक, इट्स अ ग्रेट ऑटोबायोग्राफी। बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण ऑटोबायोग्राफी में से एक है, फिल्म अभिनेताओं की जो बायोग्राफीज़ हैं वो दूसरे लोग लिखते हैं, यहाँ बलराज जी ने खुद अपने जीवन की कथा लिखी। यहाँ हम इस बातचीत के आखिरी सिरे पर आ गए हैं और अब सवाल जवाब की बारी है, तो आप में से कुछ लोग सवाल करना चाहते हैं तो प्लीज़ हाथ उठाइएगा। क्या माइक भेजने की व्यवस्था है? माइक है तो वहाँ बीच में माइक पहुँचाइए। पवन, आप कुछ पूछना चाहते हैं? इसके बाद पवन तक लेके जाइएगा। सर, मैं स्वयं 2 बीघा जमीन बहुत बार देखी है और मैं सबसे अधिक प्रभावित उस कैरेक्टर से रहा हूँ, और मेरा सौभाग्य का आपसे आज रूबरू होने का अवसर मिला।
मेरा ये कहना है कि अब जैसे कम्युनिज्म या ये कम्युनिज्म वर्ल्ड में गिरावट पे है या समझो ख़त्म हो रहा है, तो इसको बचाना जरूरी है या बचाने के लिए क्या उपाय किया जाना चाहिए? हुजूर, मुझे यहाँ बुलाया गया था किताब के बारे में जिक्र करने के लिए। ये आप सियासी सवालात कर रहे हैं, कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, ये वो, ये सर ये बात फितरत अपनी है, जैसे फलसफा है, ये सोशियोलॉजी के डिपार्टमेंट में आती है बात। हर चीज़ का दौर आता है। मैं तो ये यकीन रखता हूँ इस बात में कि जॉर्ज ऑवेल ने कहा था दैट द पेंडुलम ऑफ हिस्ट्री मूव्स बिटवीन आइडियलिज्म एंड सोशलिज्म। एक दौर आता है जब कैपिटलिज्म का दौर आता है, उसके बाद फिर लोग यकीन मानते हैं कि भाई ये कैपिटलिज्म की बुराइयां नज़र आती हैं उनको, फिर वो एक दूसरी सिमत की तरफ रवाना हो जाते हैं कि ज़्यादा सोशलिज्म होना चाहिए। तो ये इतिहास का, तारीख का एक नियम है सर कि हर चीज़ का एक दौर होता है। कोई भी चीज़, कोई भी फलसफा, मुझे लगता है कि हमेशा के लिए सिद्ध सही नहीं होता। अभी देखिए, रूस बिल्कुल मेरे ज़माने में बिल्कुल एक कम्युनिस्ट मुल्क था, आज कैपिटलिस्ट मुल्क बन गया है। चीन ने किसी हद तक अपने कम्युनिज्म को फारग कर दिया है, हालांकि वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी का भी है। मगर इस सवाल का जवाब मैं इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि सर ये मैं इसमें कोई ज़्यादा दिलचस्पी रखता नहीं सर, फलसफे में और सोशियोलॉजी वगैरह में। जी, अगले सवाल की तरफ मुड़ते हैं। जी, बहुत संक्षेप में सवाल पूछें क्योंकि बहुत सारे लोगों को सवाल पूछना है। सर, मेरा सवाल यह है, उनके विचारों के बारे में नहीं है, मेरा उनके कल्चरल भूख के बारे में है। तो पंजाब में पैदा हुए, काम उधर जाके बंगाल में किया, पीबीसी में गए, फिल्मों में काम किया, आखिरी समय में वो अपनी कल्चरल भूख पूरी करने के लिए पंजाब जाते रहे कई साल, और पंजाब में जाके समांत सिंह कमल के साथ और गांव में जाके गांव वालों के पास बैठ के, नीचे बैठ के उनके खेतों में जाके गन्ने उखाड़ के, जिसकी आपने बात की, मक्की की छल्ली खा के बातें करके, गीत ब्याह शादी देख के वो अपनी कल्चरल भूख को पूरा करने के लिए जाते रहे। तो उनका कल्चरल जो पक्ष है, जो उनका लगाव है, उसके बारे में कुछ दो बातें आप बताएं। वो तो सर आपने सब कह दिया कि उनको पंजाब से बहुत ज़्यादा प्यार था क्योंकि वो ये चीज़ उनके दिमाग में डाली गई थी टैगोर साहब ने कि अपनी सरजमीन से बड़ी मोहब्बत होनी चाहिए। और वो कभी, माफ़ कीजिएगा, लाहौर के ज़माने को, रावलपिंडी वगैरह को कभी भूले नहीं। उनको उस ज़मीन से बड़ा लगाव था और वहीं पे पैदा हुए, वहीं उनकी परवरिश हुई। तो जब वो रब रहा नहीं तो उनको लगा कि पंजाब ही रह गया हमारा, तो पंजाब के साथ बहुत मोहब्बत थी उनको। और मुझे याद है कि उन्होंने वहाँ एक मकान भी लिया था सरहद पे, बिल्कुल। लोगों ने कहा ये क्यों ले रहे हैं सानी साहब, अगर बम पड़ेंगे तो पहले यहीं पड़ेंगे इस मकान पे। उन्होंने कहा यार मैं छत से जाना, तो मैंने उतो लाहौर दे जहाज लैंड करते हुए दिखाई देते हैं। तो वो उस इलाके से बहुत प्यार था सर उनको, इसलिए वो चाहते थे, उनकी आखिरी ख्वाहिश यही थी कि वो वहाँ जाके सेटल हो जाए, छोड़ जाए बम्बई, कभी उनको प्यारा नहीं लगा। और उन्होंने अपनी भूख इसी तरह पूरी की सर। मुझे भी कई बार ले गए खेतों में, पंजाब जाते थे बाकायदा मुसलसल, हर साल गाड़ी कहीं पार करके फिर पैदल चलते थे लुंगी पहन के। और वो उनको यही मानते थे जो कि तोल्स्तोय इस चीज़ को मानता था कि सबसे ज़्यादा मोहब्बत इंसान को किसानों के साथ होनी चाहिए क्योंकि वो ज़मीन के सबसे करीब हैं, सबसे करीब ज़मीन के किसान मजदूर ही रहते हैं। तो वो उसमें ज़्यादा वक्त अपना बिताते थे, जाते थे, उनकी ज़बान सीखते थे, अपने नोट्स वगैरह लेते थे, उनसे गाने, उनके गाने रिकॉर्ड किया करते थे।
तो ये उनमें एक, यही उनमें एक डायमेंशन थी सर, यही चौथी डायमेंशन अगर कोई कहे उनके काम की क्या थी तो वो यही था। वो कहते थे कि एन आर्टिस्ट शुड बी 1/4 लाइक एन आइसबर्ग, 1/4 अबव वाटर, 3/4 बिलो। तो जो 3/4 बिलो जो था, 3/4 हिस्सा जो नीचे था उनके, वो उनके काम में दिखाई देता था मगर उसके ऊपर कोई समझ नहीं सकता था वो क्यों है उनके। और उनका ये लगाव था ज़मीन के साथ, सरजमीन के साथ, उससे दूर नहीं होना चाहते थे कभी। जी आखिरी दो सवाल प्लीज। जी सर, मैं ये पूछना चाहती हूँ, मेरा व्यक्तिगत प्रश्न है आपसे। बलराज साहनी साहब, वो एक बहुत अच्छा गीत, तुझे फूल कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, उसमें उनका बहुत सुंदर एक पिता का रूप दिखाई देता है, तो इतना सुंदर मुझे लगता था कि यही सुंदर तुम पिता हो सकते हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि क्या वो व्यक्तिगत जीवन में भी इतने ही सुंदर पिता थे आपके? जितने सुंदर आप सोच रही हैं उससे ज्यादा सुंदर थे। क्या बात, क्या बात है। और यही मैंने अपने किताब में लिखा है कि ऐसा बिरला कोई ऐसा बाप होगा। जी मेरा सवाल राजनीतिक नहीं है, पर इस मंच पे एक फिल्म को याद करना बहुत ज़रूरी है जिस पे राजनीति बहुत हुई। वो इसलिए भी ज़रूरी है कि बलराज जी ने बहुत मेहनत और बहुत दिल से वो फिल्म बनाई थी, और आपके लिए भी वो फिल्म इतने महत्वपूर्ण थी कि आपका लॉन्च पैड थी और आपका डेब्यू फिल्म थी, शायर ए कश्मीर महजूर। और आज की तारीख में वो फिल्म बहुत इम्पॉर्टेंट है लेकिन भुला दी गई है, क्योंकि किसी ज़माने में वो फिल्म बैन कर दी गई थी, तो क्योंकि उस फिल्म के बारे में बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन नहीं मिलता, और इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि बलराज जी ने प्रोड्यूस की थी, बहुत दिल से प्रोड्यूस की थी, और एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे वो फिल्म थी, और क्योंकि आप उसमें महजूर की भूमिका में थे तो उस फिल्म के बारे में कुछ अगर आप बता सकें, उसकी यादों के बारे में, उसकी सिग्निफिकेंस के बारे में, तो बहुत मेहरबानी होगी। जी देखिए, इसमें बहुत बड़ा सबक है एक, और बलराज सहनी साहब को समझने में इसमें मदद मिलेगी आपको। वो क्या है कि एक ज़माने में वो टांगे में जा रहे थे और टांगे वाला एक गाना गा रहा था, कश्मीरी थोड़ी बहुत समझते थे वो। उसने पूछा कि ये बेटे किसका गाना गा रहे तू? तो उसने कहा एक पुराने ज़माने में बहुत बड़ा ऋषि मुनि हुआ था, उनका कोई गाना है। तो एक लड़के को उन्होंने बाजार में सुना वही गाना गाते हुए, तो उसने कहा यार ये गाना किसने लिखा है? तो उसने कहा कि ये एक महजूर साहब हैं जो गाने लिखते हैं, मुझे सिखाते हैं, और मैं क्योंकि यहाँ कश्मीर में लोग पढ़े लिखे नहीं हैं तो मैं ये गाता हूँ, उनको सुनाता हूँ। तो वो उन्होंने महजूर साहब को ढूँढा, उनसे मिले, और उनकी बड़ी गहरी दोस्ती हो गई और उनके बड़े फ़ैन हो गए। और ये खासियत थी उनकी कि जिनको वो चाहते थे तो बहुत तहे दिल से चाहते थे वो। तो उन्होंने उनके इंतकाल के बारे बाद बेजूर साहब के, उनको महसूस हुआ कि उनके बारे में ये फिल्म बननी चाहिए ज़रूर। उन्होंने बहुत बड़ी गलती एक कर दी, वो ये था कि इस लाचीज़ को उन्होंने कास्ट कर दिया मेन रोल में, क्योंकि वो मेरी पहली फिल्म थी सर, और बड़ा मुश्किल था वो रोल करना उनके जवानी से लेके उनके बुढ़ापे तक। शायद अगर वो रोल खुद करते तो फिल्म बड़ी हिट होती, लेकिन वो फिल्म बनी बंगाल में, और मैं कई चीज़ों से मुत्तफिक नहीं था उस फिल्म में, और पिताजी को भी लगा कि इसमें कई चीज़ें जो बताई गई हैं वो उनको बताने की ज़रूरत नहीं थी, तो इसलिए फिल्म वो ज़्यादा चली नहीं। मगर ये आजकल के ज़माने के लिए बहुत महत्व रखती है चीज़ के, कितना वो कितनी अहमियत देते थे वो कश्मीर को, कश्मीर की ज़मीन को, कश्मीर के लोगों को, कितनी कितना कितना प्यार था, कितनी मोहब्बत थी उनकी कश्मीरियों से, कश्मीर से, और उस दौर से जिस दौर से कश्मीर गुजरा है। तो
मुझे लगता है कि आज ये फिल्म फिर बनानी चाहिए ताकि लोगों को इस बात का इल्म हो, इस बात के बारे में जाने कि पुराना ज़माना कैसा था जब कश्मीर एक बहिश्त था, और आज का ज़माना क्या है जबकि हमको किसी हद तक वो जन्नत जहन्नुम लग रहा है। इसलिए वो फिल्म दोबारा बनानी चाहिए, क्योंकि कश्मीर में बहुत बहुत बड़े पीर फकीर संत महात्मा लोग हुए हैं। कश्मीर हिंदुस्तानी सभ्यता का एक प्रतीक है, वहाँ पे हब्बा खातून भी हुई हैं, ललदेद भी हुई हैं, बहुत बड़े बड़े शायर हुए हैं, बहुत बड़े ये सूफियों की ज़मीन है सर। तो पिताजी को इसीलिए वो पसंद थी, और उनको भी वो सूफी ही मानते थे इनको, अपना मेजूर साहब को। तो उस पिक्चर वो अपने वक्त से पहले आ गई फिल्म। मेरी तो बड़ी ख्वाहिश है, ये अपना दोस्त है उसने फिल्म बनाने की शुरू की थी हब्बा खातून पे, अफसोस है दुर्भाग्यवश रुक गई वो, मगर इन 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 लोगों के बारे में फिल्में बनाना, और ख़ास तौर से अगर आज वो फिल्म बनाएं मेजूर साहब के बारे में, तो बहुत अच्छा होगा सर। क्या उस फिल्म का प्रिंट या उसकी स्क्रिप्ट या कुछ नामो निशान मौजूद? नहीं सर, बहुत ढूंढा उन्होंने, बहुत ढूंढा वो, और वो मैं अनफॉर्चुनेटली बनी थी फिल्म, उसका नेगेटिव नहीं मिल रहा कहीं सर। और स्क्रिप्ट? स्क्रिप्ट तो होगा ज़रूर उनके पास, अपना प्राण किशोर जिन्होंने लिखा था स्क्रिप्ट, उनके पास ज़रूर स्क्रिप्ट होगा। बहुत ही दिलचस्प बातें हुई हैं, और ये बातें दरअसल इस किताब के इर्द गिर्द हुई हैं जो परीक्षित जी ने अपने पिता और मशहूर अभिनेता, चिंतक और लेखक बलराज साहनी पर लिखी है। तो राम नारायण जी, आप बहुत बहुत संक्षेप में एक सवाल पूछ लें, मैं तो बस क्लोजिंग कर रहा था जी। पूछिए, ऐसे ही पूछ लीजिए। रेडियो के आदमी, हाँ एक रेडियो के आदमी वहाँ हैं, और दो तीन रेडियो के, मैं भी रेडियो से ही आता हूँ, कोटा ऑल इंडिया रेडियो में अनाउंसर हूँ मैं। सर आपकी आवाज़ को सुनकर बहुत दीवाना हो गया हूँ, और मैं दो चीज़ें आपसे जानना चाहता हूँ। एक तो आपके बोली में, आपकी भाषा में उर्दू का बड़ा प्रभाव है, और जो भी आपने उर्दू के अल्फाज बोले हैं बहुत शुद्ध बोले हैं। दूसरा, जो रेडियो के अनाउंसर में जो बेस जिसको हम कहते हैं वो आपकी आवाज़ में मुझे लगता है, तो क्या ये आपके पिता श्री बलराज साहनी साहब रेडियो में थे तो वहाँ से आया ये, या फिर ये नेचुरल है आपके यहाँ? ये सर टोटली एक्सीडेंटल है। रही बात उर्दू की, तो एक बड़ी बुरी प्रथा है हिंदी फिल्मों में, हिंदी चलचित्र में, के जिस रोल में आप हिट हो जाते हैं वही रोल आपको दोबारा बार बार मिलते हैं। जी जी। तो मेरी शुरू में एक फिल्म थी, एक सीरियल था गुलगुलचन गुलफाम, जो बहुत ही हिट हो गया। उसके बाद 10 साल तक मुझे मुसलमानों के रोल ही मिलते गए सर कि सर आप शक्ल से बिल्कुल, और मुझे ख़त आने लगे सर, अभी किताब में लिखा है, ये दूसरी एक किताब लिख रहा हूँ मैं, मुझे ख़त आने लगे लंदन से, अमेरिका से, पाकिस्तान से, कि मुसलमान हो तो आप जैसा। क्या बात है। मैं कहूँ सर मैं काफिर हूँ, मैं मुसलमान नहीं हूँ, मगर हुआ क्या सर, कोई सब डायलॉग लाए मेरे लिए, तो उसको बड़ी मुश्किल से मुझे तोड़ना पड़ा इस रिवायत, क्योंकि वो डायलॉग सब आए तो उर्दू में आए सर, और ज़्यादातर माफ़ कीजिएगा हमारे डायलॉग्स उर्दू में ही लिखे जाते हैं। जी जी बिल्कुल, शुद्ध हिंदी बहुत कम इस्तेमाल होती है फिल्मों में, तो उसकी वजह से सर थोड़ा सा बहुत मुझे ज्ञान आ गया उर्दू का, और उर्दू में बोलना शुरू कर दिया, क्योंकि उस मेरे लिए बड़ा ज़रूरी था कि अगर, मगर ये कहानी है सर। और एक जगह ज़माना आया कि CBI भी आ गई मुझे मिलने के लिए कि पाजी तुसी दो सरदार 7-7 फुट के पहुंच गए घर पे, पाजी दसो थोड़ा की ताल्लुक के पाकिस्तान नाल। मैं कह जी मेरा कोई ताल्लुक नहीं गा पाकिस्तान नाल, की गल नहीं जनाब, सच दस दो। मैं कह जी मैं कुछ नहीं जी, वो तुहानू बड़ी चिट्ठी आनी है जी, तुसी बड़े सही मुसलमान हो। मैं कह जी मैं रोल कर रहा हूँ मुसलमान। तो ये इसकी वजह से थोड़ा उर्दू का थोड़ा मेरा हो गया सर, मश्क हो गई थोड़ी सी, अदरवाइज मेरी जबान बहुत ख़राब है सर। क्या बात है। परीक्षित जी, मध्य प्रदेश में जबलपुर के एक शायर हुए हैं, उनका नाम है पन्नालाल श्रीवास्तव नूर।
उनका एक शेर है जो आपके लिए ही लिखा गया है, वो ये है कि इस दिल में खुदा भी है और यादें बुता भी, इस दिल में खुदा भी है और यादें बुता भी, जैसे कहीं यकजा हो बादा उस सनम खाना। वाह वाह, मगर सर आखिरी जुमले में समझा नहीं सर। आखिरी जुमला ये है कि बादा और बादा और सनम खाना एक साथ है, तो खुदा और यादें बुता दोनों हैं, यानी आप एक तरफ काफिर भी हैं दूसरी तरफ मुसलमान भी हैं, एक 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 कंबाइंड कल्चर की, एक इंद्रधनुषी संस्कृति की बात करता है। सर ना हिंदू हूँ ना क्रिश्चियन हूँ ना मुसलमान हूँ, इंसान हूँ, इंसान हूँ सर, बस। बहुत सही है, तो एक बेहतरीन इंसान पर लिखी गई ये किताब द नॉन कन्फॉर्मिस्ट जरूर पढ़िएगा, और इसको यहाँ इस बातचीत में जो बात रेखांकित हुई है बलराज जी की आत्मकथा के साथ मिलाकर इस किताब को आप पढ़िए तो आनंद आ जाएगा। पिताजी का एक बड़ा खूबसूरत चार लाइनें थी उर्दू की, अगर इजाजत हो तो मैं आपको सुनाऊं। आखिर में पिताजी बार बार मुझे उन्होंने याद भी करवा दी है जी जी, कि भूलना मत कि कमाले बुजदिली है पस्त होना अपनी आंखों में। क्या बात है, कमाले बुजदिली है पस्त होना अपनी आंखों में, थोड़ी सी हिम्मत हो तो क्या हो नहीं सकता। वाह 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 वाह, उभरने ही नहीं देती यहाँ बेमायगी, वरना कौन कतरा है जो दरिया हो नहीं सकता। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात, बहुत सही मकाम पर हम इस चर्चा को विराम देते हैं, और इस पुस्तक को आप जरूर पढ़िएगा। हम बलराज जी का बहुत, परीक्षित जी का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और बलराज जी की याद को नमन करते हैं।